हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर शशिमोहन में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस को। पास्ट कंटीन्यूअस को बता दूं मैं, पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब हुआ कि जो पास्ट का मतलब भूतकाल, और भूतकाल का मतलब स्पष्ट है कि भूतकाल का मतलब जो समय है वो भूतकाल है। उसके बाद कंटीन्यूअस दिखाता है कार्य की स्थिति को, और कार्य की स्थिति इसमें क्या चल रही है, जारी है, क्योंकि कंटिन्यू मैंने लगातार किसी चीज का जारी रहना, कार्य का जारी रहने के लिए कंटीन्यूअस कह देते हैं, कंटिन्यू कह देते हैं। उसके बाद अफर्मेटिव जो है वो दिखाता है सेंटेंस की स्थिति को, और सेंटेंस है हमारा सकारात्मक। इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनमें हमारा जो कार्य होगा वो जारी रहेगा, लेकिन वो कार्य कब जारी रहेगा, भूतकाल में, और सेंटेंस की स्थिति होती है सकारात्मक। और अगर इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में, तो उनको किस तरह से लिखा जाएगा इंग्लिश में, कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, उसका तरीका है कि सबसे पहले इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट को लिखा जाता है किसी भी अफर्मेटिव के लिए। ये जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी अफर्मेटिव के लिए, पहले से आप जानते भी होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है उस टेंस की जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस पढ़े तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वो आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। यहाँ पर अगर हम इसके लिए फॉर्मूला क्रिएट करें पास्ट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया गया है, उसके बाद आएगा वाज और वर्ब में से एक आएगा। वाज आता है सिंगुलर नंबर के साथ में, दिख रहा होगा आपको, ही शी इट सिंगुलर नंबर है, हमेशा से सिंगुलर नंबर है, तो ये एक वचन होंगे, इनके साथ वाज का प्रयोग होगा। और यहाँ पर पहली बार अपवाद के तौर पर आई भी आपको एक वचन में दिख रहा होगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट में आई को बहुवचन के साथ में देखा होगा, आई डू, आई हैव या आई हैव बीन, और ये डू, हैव और हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब है, आपके प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब है। जब हमारा कर्ता बहुवचन होता है तभी हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन पहली बार आई जो है यहाँ पर सिंगुलर के साथ में है, ही शी इट के साथ में है। इसका मतलब यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस में पहली बार आई को एक वचन कर्ता के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा और इसको अंडरलाइन भी कीजिएगा। उसके बाद जो वो है, वर्ग का प्रयोग करेंगे हम बहुवचन के साथ में, वी, यू, दे और अन्य भी जो बहुवचन कर्ता होंगे उनके साथ हम वर्ग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नाम भी हो सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक ट्रिक मैंने जो और भी बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर को छोड़ करके कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब में कितने अक्षर हैं, तीन, वर्ब में कितने अक्षर हैं, चार, तो कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ में रहती है, क्योंकि जिसमें कम अक्षर होंगे वो कम को मिलेगा, और जिसमें ज्यादा अक्षर होंगे वो ज्यादा को मिलेगा। ये ज्यादा लोग हैं इसलिए इनको ज्यादा अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, ये कम लोग हैं इसलिए इनको कम अक्षर वाली हेल्पिंग वर्ब मिल रही है। ये कोई नियम नहीं है, फिर बता दूं ये एक ट्रिक है जो आप याद रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप रट्टा मारेंगे तो उससे कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं ताकि वो चीज आपके दिमाग में परमानेंट रहे। और ये पूरे टेंसेस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर को छोड़ करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि वहां पर वो की फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस लग जाता है इसलिए, और फ्यूचर में इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि वहां पर मॉडल्स यूज होते हैं, और मॉडल्स के तौर पर हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये जो ट्रिक है ये वहां पर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये ट्रिक केवल हेल्पिंग वर्ब के लिए है। अब आते हैं हम सेंटेंस पे अफर्मेटिव का। तो सबसे पहले हमने कहा कि वह घर जा रहा था, माना एक वाक्य है, तो इस वाक्य को हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें केवल सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए फॉर्मूले को फॉलो करना होता है, और जो फॉर्मूला हमारा कह रहा है हम उसी को क्या करेंगे, परस्यू करेंगे। तो देख रहे होंगे सबसे पहले क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह जो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता कार्य करने वाला, कार्य कौन कर रहा है इस वाक्य में, घर जाने का, वह कर रहा है इसलिए ही। उसके बाद वज और वर्ब से एक को हमें पिक करना है, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो एक वचन है, ही है, इसलिए हम यहाँ पे वज को पिक करेंगे, क्योंकि वज जो है वो रिजर्व है एक वचन के लिए, इसलिए वज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कार्य कौन सा वाला, जाने का, जाने को बोलते हैं गो। अब गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसी पे हम क्या लगाएंगे, आई एन जी, तो गोइंग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो आई एन जी होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यूज की जा सकती है, उसके अलावा सेकेंड या थर्ड फॉर्म, ऐसे वेंटिंग या गोनिंग नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म पे वर्ब आई एन जी नहीं लगता है। उसके बाद कहां जा रहा है, घर, होम, तो ही वॉज गोइंग होम। जनरली जो होम है उससे पहले टू का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, होम से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया। हाँ, अगर आप होम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग कर दें, जैसे हम कह सकते हैं ही वॉज गोइंग टू द होम, तो अगर हम होम से पहले द आर्टिकल यूज कर दें तो उससे पहले हम टू प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर होम अकेला है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे टू एज ए प्रेपोजिशन यूज होता है वो स्ट्रेस देता है बात कि मैं घर को जाता हूँ, और घर पे जाने के लिए स्ट्रेस क्यों नहीं देना पड़ता, क्योंकि घर जाने के लिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, घर हम जाते ही हैं, चाहे हमारा कोई उद्देश्य नहीं भी हो तब भी हम घर को जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन घर से निकलने का उद्देश्य होता है, चाहे हम फालतू भी निकल रहे हैं लेकिन उसका भी एक इंटेंशन होता है, हम परेशान हो सकते हैं किसी और वजह से निकल सकते हैं, लेकिन घर से निकलने का कारण जरूर होता है, लेकिन घर जाने का कोई कारण नहीं होता है, इसीलिए
इसके आगे जो टू प्रेपोजिशन है वो यूज नहीं किया जाता। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इससे पहले हम आर्टिकल द लगा दें तो उसके आगे टू का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा, वे घर जा रहे थे, अगेन क्योंकि इसको हम बहुवचन में पिक कर रहे हैं तो दे, अब क्योंकि दे क्या है, बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हमें पता है वर का प्रयोग करते हैं तो वर हो गया। उसके बाद वो कार्य जो है जाने का, जाने को बोलते हैं गो, गो की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए गो पे आईएनजी लग जाएगा, गोइंग होम, दे वर गोइंग होम, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह से आप और भी बना सकते हैं कि जैसे मैं तैर रहा था, आई वॉज स्विमिंग, और वह तैर रहा था, ही वॉज स्विमिंग, वह तैर रही थी, सी वॉज स्विमिंग, या वे तैर रहे थे, दे वर स्विमिंग, क्लियर होगा सर। जैसे मैं पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग द वॉटर, वह पानी पी रहा था, ही वॉज ड्रिंकिंग द वॉटर, वे पानी पी रहे थे, दे वर ड्रिंकिंग द वॉटर, इस तरह से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस को पिक करते हैं। तो अगर हम निगेटिव सेंटेंस को पिक करेंगे तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, क्या तरीका होगा उनको बनाने का, उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए जो आपका निगेटिव सेंटेंसेस होंगे, और निगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाएगा क्योंकि इसमें नहीं है, नॉट है, इसलिए नॉट भी आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड से ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर हम इसके लिए सूत्र बनाए तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ज और वर्ब, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वर्ज वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ज वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली नॉट आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आप आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये आपके सामने सूत्र आ गया निगेटिव के लिए। अब इसी को सेंटेंस को जो हमने पिक किया था कि वह घर जा रहा था, हम कर देंगे वह घर नहीं जा रहा था, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इस निगेटिव सेंटेंस को हम फिर उसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो अगर हम इसको सूत्र में रखें तो सबसे पहले सूत्र के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट को पिक किया जाएगा, सब्जेक्ट है हमारा वो हो इसलिए ही पिक कर लिया, उसके बाद हम वर्ज वर्ब में से को पिक करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ज को हम पिक करेंगे, उसके बाद नॉट को लिया जाएगा, नॉट, उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगेगी, कार्य हो रहा जाने का, जाने को गो, गो पे आईएनजी गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होम। तो ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब एक ही सेंटेंस को नहीं रखते, चेंज कर देते हैं। अगर हम कहेंगे कि वे गाना गा रहे थे, वे गाना नहीं गा रहे थे, सॉरी, वे गाना नहीं गा रहे थे, तो वे गाना नहीं गा रहे थे, ये हमारे सामने सेंटेंस है, इसको भी हम सूत्र में रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वे, दे, उसके बाद वर आएगा क्योंकि वे क्या है, बहुवचन है इस नाते से, फिर नॉट आ जाएगा अपना भी ऑब्वियस फॉर्मूला कह रहा है, उसके बाद कार्य कौन सा हो रहा है, गाने का, गाने को बोलते हैं सिंग, सिंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग ही होती है इसलिए सिंगिंग हो जाएगा, और उसके बाद अ सॉन्ग, तो दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं किसी भी चीज, जैसे कि वह गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रहा था, ही वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग, इस तरह से आप और भी बना सकते हैं। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा मजबूरी होती है कि हमें कम समय में ज्यादा कंटेंट देना होता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा एग्जांपल पिक नहीं कर सकते। अगला हम जो सेंटेंस देखेंगे वो होगा आपका इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं किस तरह से बनते हैं। तो जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम पिक करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर करेंगे सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। इस हिसाब से अगर हम सूत्र बनाए यहाँ के लिए तो हेल्पिंग वर्ब है आपका वॉज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब सूत्र जो सेंटेंस हमारे पास, जैसे हमने कहा कि क्या वह अंग्रेजी बोल रहा था, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा था। अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने आपसे बार बार कहा कि क्या शुरू में आया, तो जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसके बदले हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे, वह के साथ क्या आएगा वर्ज, क्योंकि एक वचन में हमेशा वर्ज का प्रयोग करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद कार्य हो रहा कौन सा बोलने का, बोलने को बोलते हैं स्पीक, तो हो जाएगा स्पीकिंग, ही वॉज ही स्पीकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया क्या वाला। और इसी अगर बहुवचन में ले जाए तो हम कह सकते हैं क्या वे अंग्रेजी बोल रहे थे, अंग्रेजी बोल रहे थे,
इंट्रोगेटिव, फिर क्या आ गया, तो ऑब्वियसली इसके बदले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, वर्क। वर्क क्यों आया इस बार, क्योंकि वे बहुवचन, इसलिए दे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, बोलना, स्पीक, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, इसलिए आई एन जी लग जाएगी उसी पे, स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, ये हो गया वर्ड दे स्पीक इंग्लिश, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे क्या वे गाना गा रहे थे, वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा था, वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मैं नहा रहा था, वॉज आई बाथिंग, वॉज आई टेकिंग बाथ, क्या वे नहा रहे थे, वर दे टेकिंग बाथ, इस तरह से आप सेंटेंसेस बना देंगे इंट्रोगेटिव क्या वाले। अब इसी के अगर हम निगेटिव बनाए, इस तरह के वाक्य अगर हम क्या बनाए, निगेटिव बनाए, तो किस तरह से बनेंगे देखते हैं। तो उसका जो तरीका होगा वो होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव हमारा सेंटेंस हो जाएगा, और उस इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो सूत्र हो जाएगा होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब है आपका वाज या वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। सेंटेंस को पिक करते हैं, क्या वह पानी नहीं पी रहा था, क्या वो पानी नहीं पी रहा था। अगेन क्या शुरू में आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब पिक करेंगे, वाज आएगा क्योंकि वो एक वचन है, इसलिए ही, सब्जेक्ट, उसके बाद कार्य कौन सा हो रहा है, पीने का, लेकिन उससे पहले क्या जाएगा, नॉट, क्योंकि सूत्र कह रहा है वाज ही नॉट, क्योंकि नहीं भी है सेंटेंस में। उसके बाद वो की फर्स्ट फॉर्म पे आएंगी ड्रिंक, ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म पे आएंगी, तो ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक होती है, इसलिए उस पाइजी लगा ड्रिंकिंग द वॉटर। अब ये वाटर नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, और याद रखिएगा यहाँ पर जो हमने आर्टिकल यूज किया वो क्या क्या द किया है, न कि ए और यू किया है, क्योंकि यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो ए और एन आर्टिकल है वो कभी भी अनकाउंटेबल नंबर्स के साथ में नहीं आते या नाउन्स के साथ में नहीं आते, वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं, और वाटर काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए वाटर नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। अगर कहीं आपके जवाब ए आ रहा है तो वो गलत है। वैसे अगर हम कहेंगे कि क्या तुम नाश्ता नहीं खा रहे थे, क्या तुम नाश्ता नहीं खा रहे थे, या क्या तुम नाश्ता नहीं कर रहे थे, खा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि स्पष्टी थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए, तो क्या वर आएगा, क्या के बदले हमेशा सेंस हेल्पिंग वर्ब आती है, तुम, यू, बहुवचन है इसलिए वर आया यू, उसके बाद नहीं नॉट, इसकी इंग्लिश सूत्र कह रहा है, उसके बाद खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ईट पे एनजी लग जाएगा, ईटिंग, वर यू नॉट ईटिंग द ब्रेकफास्ट, तो ये हो गया वर यू नॉट ईटिंग द ब्रेकफास्ट, ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वो होगा आपका इंट्रोगेटिव, लेकिन किस तरह का, डबल एच फैमिली का, क्योंकि जो डबल एच फैमिली होती है उसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो वाक्य के बीच में आ जाता है, याद रखिएगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक और ट्रिक बता दूं आपको, तो जो इंटरोगेटिव होगा वो आप इंटरोगेटिव जो सूत्र होता है डब्ल्यू एच फैमिली, किसको कहेंगे हम, इंटरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच फैमिली। अब डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब क्या होगा कि जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसमें, फॉर्मूले में, सबसे पहले डब्ल्यू एच ही आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच के नीचे डब्ल्यू एच, हेल्पिंग वर्ब आपका वाज या वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब ध्यान दीजिएगा कि डब्ल्यू एच फैमिली क्यों कह रहे थे, बार बार कह रहा हूं मैं कि डब्ल्यू एच फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इनमें से मैक्सिमम की स्पेलिंग डब्ल्यू से शुरू होती है, जैसे क्योंकि, डब्ल्यू एच वाई, कब की डब्ल्यू एच ई एन, कहां की डब्ल्यू एच ई आर ई, वर्ड क्या की डब्ल्यू एच ई डी, तो सबकी स्पेलिंग किससे हो रही है शुरू, जब मैक्सिमम की सबकी, जैसे कैसे की फिर हो जाती है, तो इनकी मैक्सिमम की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, डब्ल्यू एच, इसलिए डब्ल्यू एच में कॉमन है, इसलिए इसको डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं। और एक इनकी दूसरी खासियत ये होती है कि ये जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है हमेशा वाक्य के बीच में आती है, शुरू में नहीं आती। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब हुआ कि ये वाक्य के बीच में आएंगे, कभी भी आगे नहीं आते, और जब इंग्लिश लिखते हैं तो इनकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखा जाता है, ये इसकी खासियत है। जैसे हमने कहा कि वह किताब क्यों पढ़ रहा था, वह किताब क्यों पढ़ रहा था। अब यहां पर वह किताब क्यों पढ़ रहा था, देखिए अगर क्या होता तो सबसे पहले क्या लिखते, हेल्पिंग वर्ब भी लिखते, लेकिन यहां पे क्यों आ गया, क्यों डबल एच फैमिली है, तो डबल एच फैमिली को सबसे पहले लिखा जाता है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई,
इसको लिखना पड़ेगा, इसको इसलिए भी लिखना पड़ता है क्योंकि इसी का क्वेश्चन आंसर जान रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं पूछेंगे या इसको नहीं लिखेंगे तो उत्तर क्या देगा वो, क्योंकि अगर मैं इसको बदलूंगा तो उत्तर भी बदलेगा, अगर मैं बोलूंगा कब तो उत्तर समय का देगा, क्यों में कारण बताएगा, कहां में जगह बताएगा, तो यही पूछ रहे होते हैं। मगर अगर हम इसी को अंग्रेजी में नहीं लाएंगे तो फिर हमें आंसर नहीं मिलेगा जो हम जानना चाहते हैं, इसलिए इसकी इंग्लिश लिखनी जरूरी होती है। तो वाई के बाद क्या आ जाएगा, क्योंकि वह एक वचन से वॉज, उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है हमारा वह ही, उसके बाद कार्य कौन सा हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड पे लग जाएगा आई एन जी, वाई वॉज ही रीडिंग द बुक, वाई वॉज ही रीडिंग द बुक। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे द बुक भी हो सकता है, ए बुक भी हो सकता है। द बुक का मतलब कोई निश्चित किताब की बात हो रही है, ए बुक मतलब किसी भी किताब की बात हो रही है। यहां पर अगर आप why was he reading a book भी बोल, अगर आप कहेंगे तो दोनों सही है, याद रखिएगा आर्टिकल के तौर पे। तो अगर हम why was he reading the book कह रहे हैं और why was he reading a book कह रहे हैं, दोनों सही है। ए का मतलब एनी बुक, ए का मतलब यहां पर क्या है ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब यहां पर बराबर एनी बुक, कोई भी किताब। और अगर हम द कह रहे हैं तो द का मतलब है निश्चित बुक, सर्टेन बुक, किसी निश्चित किताब की बात हो रही है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी है, उस किताब की बात हो रही है। और अगर हम ए बुक कह रहे हैं तो किसी भी एनी बुक की बात हो रही है, दोनों सही है, कोई भी यूज किया जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हम कपड़े कब धो रहे हैं, सॉरी धो रहे थे, हम कपड़े कब धो रहे थे। अब हम कपड़े कब धो रहे थे, सबसे पहले क्या आएगा डब्ल्यू एच, कब की इंग्लिश वैन, अब उसके बाद क्या आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब, अब डिपेंड करती है सब्जेक्ट बहुवचन इसलिए क्या आएगा वर, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सूत्र भी देखते रहिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हम अंग्रेजी वी, उसके बाद क्या आएगा धोना, दोनों क्या बोलते हैं वॉश, वॉश पे क्या लग जाएगा आई एन जी वॉशिंग, उसके बाद कपड़े क्लॉथ्स, तो वैन वर वी वॉशिंग द क्लॉथ्स, यहाँ पे द आर्टिकल भी यूज जाएगा क्योंकि क्लॉथ्स है, ठीक है। तो क्लॉथ्स में ए और एन नहीं आएगा क्योंकि ए और एन केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, क्योंकि क्लॉथ्स है बहुवचन है इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग नहीं कर सकते, ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, एन तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत से जो उच्चारण होगा वहां पर आएगा, लेकिन द क्लॉथ्स हो जाएगा तो वैन वर वी वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो ये आपका डबल एच फैमिली का सेंटेंस हो गया। और फिर इसका भी क्या बनेगा निगेटिव, तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव निगेटिव, और इंटरोगेटिव निगेटिव के लिए जो सूत्र होगा वो होगा डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सूत्र बनेगा डब्ल्यू एच के नीचे डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब वर्ज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और भी अदर वर्ब्स। सेंटेंस देखते हैं, जैसे आपने कहा कि क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, सबसे पहले क्या सॉरी वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, तो सॉरी इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्या से फिर क्या हो जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली नहीं होगी, क्योंकि जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो वो डब्ल्यू एच फैमिली नहीं होती है, तो वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल, डब्ल्यू एच फैमिली की शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह कि जो डब्ल्यू एच वर्ड होगा वो बीच में आना चाहिए हिंदी में, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, क्यों आ गया डब्ल्यू एच, इसको सबसे पहले लाएंगे वाई, उसके बाद क्या आएगा वज वर्ब बस एक आएगा, तो वज क्या है एक वचन इसलिए वज आएगा, वह एक वचन है, उसके बाद ही सब्जेक्ट नॉट खेलना प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म इसलिए सिर्फ आई लग जाएगा प्लेइंग, वाई वॉज ही नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, वाई वॉज ही नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ये हो गया। और इसी और बहुवचन में ले जाएंगे तो हो जाएगा कि हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, फिर क्यों बीच में आ गया डब्ल्यू एच फैमिली है, इसको शुरू में लाएंगे वाई, उसके बाद क्या आ जाएगा
हम है तो वर आएगा क्योंकि बहुवचन के साथ क्या आएगा, वर आएगा, उसके बाद हम की अंग्रेजी वी, उसके बाद नॉट, कार्य हो रहा खेलने का, खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले पे लग जाएगा आई एन जी प्लेइंग द क्रिकेट। तो इस तरह से आपके ये छह तरह के प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं मिनिमम आपके टेंसेस में, और ये हमने छह प्रकार के सेंटेंसेस देख लिए, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने में भी लिखने में तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरा जो वीडियोस हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज इनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि और भी जो जरूरतमंद लोग उनको इससे फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।